नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एजुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। आज हम लोग जेएसएससी पीजीटी लैब असिस्टेंट एंड जेएसएससी टेक्निकल केमिस्ट्री से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर से होगा। ठीक है, इससे पहले भी हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित एक ऑब्जेक्टिव सेट किया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में जाकर के आप चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाना और वहाँ पे प्लेलिस्ट बना होगा जेएसएससी पीजीटी का, वहाँ पे जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में जो भी क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बुक से डायरेक्टली उठाए गए हैं और विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, जिसमें आपको क्वेश्चंस का लेवल पता चलेगा और पता चलेगा कि आपके आने वाले परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नीचे चार स्टेटमेंट दिया गया है, जिसमें से तीन करेक्ट है और एक इनकरेक्ट है, वो चीज़ बताना है। बोर्स मॉडल ऑफ एटम फेल्स टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। बोर्स एटॉमिक मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन जीमैन इफेक्ट। बोर्स एटॉमिक मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट। या फिर लास्ट ऑप्शन है बोर्स एटॉमिक मॉडल ट्रीट्स इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल एंड एज अ वेव। तो इन स्टेटमेंट्स को अगर आप क्लियरली देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि स्टेटमेंट जो डी है वो रॉन्ग है। ठीक है, बोर्स एटॉमिक मॉडल ट्रीट्स इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल एंड अ वेव, ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में। डी ब्रोगली पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी शो करता है, ना कि बोर ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अन्य ऑप्शंस को अगर हम लोग देखते हैं, बोर्स मॉडल ऑफ एटम फेल्स टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, ये चीज़ हम लोगों ने बोर्स मॉडल के लिमिटेशंस में पढ़ा था। ठीक है, बोर्स एटॉमिक मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन जीमैन इफेक्ट, जीमैन इफेक्ट के बारे में बोर्स मॉडल कुछ नहीं कहा था, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। बोर्स एटॉमिक मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट एक्सप्लेन करने में भी बोर्स मॉडल फेल हुआ था, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन बचता है ऑप्शन डी, जो कि इनकरेक्ट होगा। बोर्स एटॉमिक मॉडल ट्रीट्स इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल एंड एज अ वेव, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इफ ए न्यूट्रल एटम हैज़ 2k इलेक्ट्रॉन, 8l इलेक्ट्रॉन्स एंड 6m इलेक्ट्रॉन्स, द टोटल नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन, p इलेक्ट्रॉन्स एंड d इलेक्ट्रॉन्स सेपरेटली इन द एटम विल बी। हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था k l m n, इस प्रकार। ठीक है, मेन एनर्जी सेल का कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने पढ़ा था के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल। इसमें हम लोग को दिया गया है के सेल में हम लोग का 2 इलेक्ट्रॉन है, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और एम सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको हम लोग टोटल इलेक्ट्रॉन अगर देखेंगे तो टोटल 16 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। 16 इलेक्ट्रॉन अर्थात कि एटॉमिक नंबर हम लोग का 16 हो जाएगा। ठीक है, और 16 जो एटॉमिक नंबर है उसका अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे एसपीडीएफ में, अर्थात कि सबसेल में अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार होगा उसे हम लोग देखते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फिर 3s2, 12, 3p4, ठीक है 16। ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और इसी में आपको बताना है कि s में कितना इलेक्ट्रॉन है, p में कितना इलेक्ट्रॉन है और d में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो s में हम लोग इलेक्ट्रॉन देखते हैं 1s2, 2s2, इसमें 2 है 4, 3s2 यहाँ पे 6। तो s में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6, p में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है, तो p में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। d में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन नहीं है, अर्थात कि वैसा ऑप्शन सही होगा जिसमें हम लोग का s में 6 इलेक्ट्रॉन होगा और p में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, और d में क्या हो जाएगा 0 इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि d में कोई भी इलेक्ट्रॉन एंटर ही नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें s में 6 है, p में 10 है और d में 0 है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6, 10 और 0। ठीक है, नीचे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप वीडियो को पॉज करके डिटेल में एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। व्हेन हाइड्रोजन एटम इज रेज्ड फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, potential energy increases and kinetic energy decreases. Potential energy decreases and kinetic energy increases. Both potential energy and kinetic energy increases. या फिर लास्ट ऑप्शन है both potential energy and kinetic energy decreases. तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस. जब हाइड्रोजन एटम को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में एक्साइट किया जाता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करता है और उसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करता है. क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला में हम लोगों ने हाइड्रोजन का एनर्जी का फॉर्मूला जब देखा था तो उसमें माइनस नेगेटिव साइन देखा था, ठीक है. माइनस 13 पॉइंट एनर्जी किसमें निकाल रहे थे, माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस फॉर्मूला से हम लोगों ने एनर्जी निकाला था जिसमें नेगेटिव साइन था और इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा, ठीक है. नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं. देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय, हाइड्रोजन एटम का पोटेंशियल एनर्जी इस प्रकार होगा क्योंकि जेड का वैल्यू 1 होता है, एन का वैल्यू 1 होता है, तो माइनस 13.6 आ गया. एज एटम इज एक्साइटेड इट्स रेडियस इंक्रीजेज, जैसे ही एटम को एक्साइट करते हैं इट्स रेडियस इंक्रीजेस, बट ड्यू टू नेगेटिव साइन और रिवर्स साइन इट्स एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है. वही काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय डेल प्लस हियर व्हेन हाइड्रोजन एटम इज रेज्ड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज्ड एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज्ड, ठीक है. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर. द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना मैंने बताया था, वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाना है और डायरेक्टली इसे निकालना है, ठीक है. वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, याद रखेंगे 2.2 इंटू 10⁶ जेड स्क्वायर बाई एन, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने बताया था पहले जब थ्योरी का क्लास आप लोग कर रहे होंगे, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा 2.2 इंटू 10⁶ जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर. जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है. और इसमें दिया गया है थर्ड ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है हाइड्रोजन एटम का, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा हाइड्रोजन एटम के लिए. इसी फॉर्मूला में बैठाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए, ठीक है. 0.078 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड, ठीक है. तो इस फॉर्मूला में बैठा के आप निकाल सकते हैं. नीचे में एक्सप्लेनेशन भी में भी वही फॉर्मूला दिया गया है, 0.2 पॉइंट एक इधर दे दिया है और यहाँ पे 10 में एक पावर बढ़ा दिया है 10⁷, तो सेम फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूला में बैठा करके निकाल सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20. द इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में वेलोसिटी फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला का उपयोग होता है, फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा 0.2185 इंटू 10⁷ जेड बाई एन, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 21, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा किस प्रकार ये फॉर्मूला आया है, लंबा सा एक्सप्लेनेशन है, वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21. एटॉमिक नंबर्स ऑफ एलिमेंट ए, बी एंड सी आर 50, 78 एंड 60 रेस्पेक्टिवली. दीज एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल रेस्पेक्टिवली इन, कौन सा ऑप्शन सही होगा, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक में, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एस ब्लॉक में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक में, या फिर लास्ट ऑप्शन है एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक में. इन सभी ही एलिमेंट का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद आप देखिएगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में एंटर कर रहा है, अर्थात कि पी ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है कि डी ऑर्बिटल में या फिर एफ ऑर्बिटल में. उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि ये जो एलिमेंट है वो कौन सा ब्लॉक में आता है, ठीक है. जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे 50 किसका होता है, 50 एसियन का होता है, टीन का, ठीक है. टीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल लीजिएगा. उसके बाद 60 नियोडाइमियम का होता है, 78 प्लेटिनम का होता है. सभी का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल लीजिएगा. उसके बाद आप देखिएगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है, उसी हिसाब से वो उस ब्लॉक एलिमेंट का हो जाएगा, उस ब्लॉक का एलिमेंट वो हो जाएगा. तो आप जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल लेंगे तो आपको पता चलेगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक. जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 50 है वो पी ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा. 78 है वो डी ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा और 60 जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एटॉमिक नंबर है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, नीचे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया भी गया है, आप देख सकते हैं 3 SN का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया गया है और लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल पे एंटर कर रहा है तो पी ब्लॉक एलिमेंट। नियोडाइमियम का दिया गया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक पर एंटर कर रहा है तो एफ ब्लॉक एलिमेंट। प्लेटिनम का दिया गया है, डी ब्लॉक एलिमेंट, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक पे एंटर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। द इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, ये फॉर्मूला भी मैंने बताया था थ्योरी क्लास में। ऑप्शंस देख ले और बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। द आयोनाइजेशन पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द आयोनाइजेशन पोटेंशियल फॉर H+ इज, ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा था। आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से निकालने के लिए प्रयुक्त होता है, उस एनर्जी को हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को निकालने में रिक्वायर्ड एनर्जी को ही हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज जो भी होते हैं उसमें हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट में उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कितना होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो वही चीज़ दिया गया है, हाइड्रोजन एटम का 13.6 वोल्ट है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ H+ हीलियम का निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। एक तरफ हाइड्रोजन प्लस डिवाइडेड बाय हीलियम करेंगे, हाइड्रोजन H2 डिवाइडेड बाय हीलियम करेंगे, Z² बाई Z²। Z क्या है, एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, 2 का स्क्वायर कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, देख लीजिएगा आप 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज, एक एलिमेंट दिया गया है जिसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6 एंड 4d10। द एलिमेंट एक्स इज, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया गया है, कौन सा एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये होता है। सभी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप निकाल लीजिएगा और जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इससे मैच करेगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें निकाल के दिखा दिया गया है, प्लेटिनम का आता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2 एंड 4p6, 3d10। ठीक है, प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 46 होता है तो जो एलिमेंट है एक्स वो क्या हो जाएगा, प्लेटिनम PD ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ए सडन लार्ज जंप बिटवीन द वैल्यूज ऑफ सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ एन एलिमेंट वुड बी एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया गया है जिसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन में दिया गया है कि लार्ज जंप बिटवीन द वैल्यूज ऑफ सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जीज, सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में लार्ज जंप हो रहा है, अर्थात कि वैसा कोई एटॉमिक कन्फिगरेशन आपको देखना होगा जिसमें लार्ज जंप होगा और जिसमें अधिक एनर्जी की ज़रूरत होगी। ठीक है, अधिक एनर्जी की ज़रूरत कब होगी, जब कोई भी एक एटम अधिक स्टेबल होगा, अधिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाला कोई एटम होगा जो स्टेबल होगा जिसके कारण उसमें अधिक एनर्जी लगाना पड़ेगा उसको एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए। तो वैसा हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखना होगा। तो अगर आप सभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट क्यों होगा, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, आपको देखना है ऑक्टेट या फिर डबलेट कंप्लीट होगा तो अधिक स्टेबल होगा, अधिक स्टेबल होगा तो अधिक एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसको एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए, तभी वो लार्ज जंप कर पाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अन्य सभी एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो जैसे कि पहले में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, S1 है, थर्ड में P1 है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लास्ट में आप देख सकते हैं P2 है जो कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेकिन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है, अर्थात कि ये जो भी एलिमेंट है इसका स्टेबिलिटी अन्य एलिमेंट से अधिक है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज एंड रिलेटेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन आर गिवन बिलो, विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नीचे स्पेक्ट्रल सीरीज से संबंधित दिया गया है, वेरियस वर्कर्स जो स्टडी किए थे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, उन्होंने अलग अलग सीरीज दिया था, जैसे कि लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, पीफंड। ये कुछ कुछ सीरीज थे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से संबंधित जो कि विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने दिया था। तो कौन सा ऐसा आपको चूज करना है जो कि इनकरेक्टली मैच होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि लाइमन जो सीरीज होता है ये अल्ट्रावायलेट सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। ब्रैकेट इंफ्रारेड सीरीज सही है। उसके बाद बाल्मर विजिबल सीरीज को रिप्रेजेंट करता है, पाश्चन इंफ्रारेड सीरीज, तीनों सही है। लेकिन लाइमन जो सीरीज होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, अल्ट्रावायलेट सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। और एक होता है पीफंड, वो फार इंफ्रारेड सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नीचे करेक्ट सीरीज भी दिया गया है, लाइमन अल्ट्रावायलेट, बाल्मर विजिबल, पाश्चन इंफ्रारेड और ब्रैकेट भी इंफ्रारेड। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे, पाश्चन जो है ये इंफ्रारेड होता है लेकिन ये नियर इंफ्रारेड होता है। ठीक है, नियर इंफ्रारेड होता है। और ब्रैकेट जो होता है ये मिड इंफ्रारेड होता है, मिड इंफ्रारेड होता है। और एक आता है पीफंड जो कि फार इंफ्रारेड होता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। अन एलिमेंट हुज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज, एक एलिमेंट दिया गया है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया गया है आर्गन 4s2, इट इज अन एल्कलाइन अर्थ मेटल है, अन एल्कलाइन अर्थ अल्कलाइन मेटल है, या फिर ये अल्काली होगा। माफ कीजिएगा, इसमें शायद ऑप्शन ए थोड़ा सा गलत दे दिया होगा। अल्काली, अल्काली अर्थ मेटल है, अल्काली मेटल है, या अल्कलाइन मेटल है, या फिर अन अल्कलाइन अर्थ मेटल है, या फिर ट्रेडिशनल मेटल है, या फिर लास्ट है अन इनर ट्रांजिशन मेटल है। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अन अल्कलाइन अर्थ मेटल है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आर्गन 4s2 किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, और कैल्शियम ग्रुप 2 में आता है जो कि अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। द एलिमेंट हैविंग ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जेनन 4f7 6s2 इज, तो कौन सा एलिमेंट का ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन जेनन 4f7 और 6s2 है। सभी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल करके देखिएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूरोपियम। इसमें सभी का नीचे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया भी गया है, गैडोलिनियम का, सैमेरियम का, यूरोपियम का, नियोडाइमियम का। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरोपियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रिनो वॉज डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा न्यूट्रिनो खोजा गया था। एम बोथ एंड एच बर्कर ऑप्शन बी है, सी ए एंडरसन ऑप्शन सी है, डब्ल्यू पॉली, या फिर लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ एबोब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबोब। ठीक है, नीचे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में ट्रांजिशन के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन मैक्सिमम रिक्वायर्ड फॉर द मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, मैक्सिमम एनर्जी कितना रिक्वायर्ड होगा ये चीज़ आपको बताना है। n1 = 1 से n2 = 2, n1 = 2 से n2 = 3, या फिर n1 = 4 से n2 = 5, या फिर n1 = 3 टू n2 = 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। n1 अर्थात की ऑर्बिट 1 से n2 अर्थात की ऑर्बिट 2 में जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से इसी प्रकार मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ हम लोग मिलेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद।